जनपद में सिंचाई विभाग के कार्यालय पर अखंड रामायण पाठ के समापन के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने बताया कि सिंचाई विभाग के कार्यालय पर शिवरात्रि के समय यहां पर भंडारे का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। यहां पर शिव मंदिर पर 24 घंटे अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया था, जिसके समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को प्रसाद वितरित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष दुर्ग विजय ने कहा, आज यहाँ सिंचाई विभाग पर हम लोगों को विगत कई वर्षों से शिवरात्रि के समय यह कार्यक्रम भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनपद के सभी कर्मचारी और सिंचाई परिवार के सभी कर्मचारी अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम का शिव मंदिर पर आयोजन करते हैं। और भगवान में इतनी श्रद्धा है लोगों की कि इस श्रद्धा के साथ ही सब लोग सुखद शांति से पूरे मनोयोग से अपना कार्य करते हैं। और इसी परंपरा को लेकर के संभवतः विगत वर्षों से चल रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। मैं दुर्ग विजय, जिलाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। यहाँ पर अभी आयोजन हुआ था इसके यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ होता है, जो मानस पाठ 24 घंटे का होता है वो किया जाता है, और समापन के दिन पूरे भंडारा होता है। जो सिंचाई विभाग के जितने भी खंड बिलोंग करते हैं, सारे खंड के कर्मचारी, इसके अलावा जनपद के जो भी कर्मचारी हैं, सब भी लगभग यहाँ पर पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं और प्रसाद को भोलेनाथ के प्रसाद का ग्रहण करते हैं।